लगता है ये आखिरी बार तुम पर मेरा रंग चढ़ रहा है, पर आई एम लविंग इट। याद है पहले जब हम होली खेलते थे तब मैं अपने हाथों से तुम पर रंग लगाता था। याद है तुम्हें? फिर धीरे धीरे तुम एक रंग बंद कर मेरी लाइफ में समा गई। यू वर द कलर ऑफ माई लाइफ। अब वही रंग धुंधला होता जा रहा है। उस रंग की जगह कोई और रंग लेने वाला है। मेरे रंग में रंगने वाली तुम नहीं, कोई और होने वाली है। ये जानकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्यों कर रहे हैं सब? क्या कर रहे हैं? क्यों बीती बातें याद दिला रहे हैं? क्योंकि एक वही तो है हम दोनों के बीच, है ना? हमारा पास्ट ने तो हमें जोड़ रखा है, इसलिए जब भी तुम मुझसे दूर जाते हो मैं तुम्हें पास्ट की याद दिलाता हूँ। और एक और चीज है जो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम मुझे इतनी सुंदर नहीं लगती थी। तो जो सुंदर लगती थी ना उसके पास चल। अरे मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। तुम मुझे इतनी सुंदर नहीं लगती थी, लेकिन अब तो तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। इतनी सुंदर कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दे सकता, इसलिए तो बार बार कीचड़ चलाता हूँ तुम्हारे पास में। मुझे पता है तुम क्या सोचिए। तुम यही सोचिए ना कि अगर सुंदर नहीं लगती थी तो प्यार कैसे हो, है ना? तो प्यार मैंने तुम्हारे अंदर की खूबसूरती से की थी। फिर धीरे धीरे तुम अंदर बाहर हर जगह से तुम्हारी सूरत सीरत इतनी खूबसूरत लगने लगी कि फॉर मी यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, द बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। बट यू नो व्हाट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो मैं हूं, है ना? देखो अगर हम दोनों एक दूसरे से दूर गए ना तो मेरा तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। क्या यू लूज मी फॉरएवर? शायद ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब तक शायद समझ में आ जाए बहुत देर न हो जाए। मत कीजिए। क्या मत कीजिए? मेरा हाँ तो डरती हो क्या उससे? आपकी होने वाली बीवी है। होने वाली? तुम तो बीवी हो। कैमरन, मेरे नजदीक आने से डर लग रहा है या इस बात का डर लग रहा है कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे? वो यही आ रही है, प्लीज छोड़िए मुझे। आई एम के अच्छा तो अब तुम मुझे चीट करोगे? हाँ मैं चीट करूंगा। सबसे बड़ी चीटर तुम हो। तुमने क्यों प्राची को जाके ये क्यों बोला कि मैंने उसको छोड़ के तुम्हें चुना? मैंने ऐसा किया क्या? ऐसा हुआ? और let me say this one more thing with you, रिया मेरा। प्राची ने मेरी कभी एडवांटेज लेने की कोशिश कभी नहीं करी है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। रणबीर मैंने देखा था कि प्राची तुम्हारे शॉप जस्ट शॉप। आखिरी बार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुमने प्राची का नाम अपने मुंह से निकाला, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ऐसी चीजें पता है कि अगर वो लोगों को पता चली तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और मैं तुम्हें वो तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। सो डोंट फोर्स मी, प्लीज डोंट फोर्स मी। अगली बार तुम उसका नाम नहीं लोगी तो तुम मुझे धमकी दे। धमकी नहीं दे रहा हूँ रिया, मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, तो ये सजेशन को प्लीज तुम रख लो थोड़ी देर के लिए अपने पास। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता है ना हम दोनों का भी रोका होने जा रहा है। दैट्स रबिश। वो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अच्छे से जानती हो हमारे रोके के पीछे क्या हो रहा है। तुम्हें पता है ना ये क्यों हो रहा था और किसकी वजह से हो रहा था? तुमको अच्छे से पता है ना सच क्या है? स्टॉप इट। ओके रणवीर जस्ट स्टॉप इट। मैं ये सुन के ना थक गई हूं। क्या सुन सुन के थक चुकी हो? तुम जो सच है वो सच है रिया। कुछ हुआ क्या? अभी तक तो नहीं, पर अच्छा हुआ आ गई। मतलब होने वाला था कुछ। कितनी भी इज्जत कर लो रणबीर, मेरी इज्जत के आगे तुम्हारी इज्जत कुछ नहीं। तुम ना भी चाहो ना तो तुम्हारी लाइफ में मैं ही आऊंगी, वो प्राची नहीं। बस अब किसी भी तरह डैड की शादी रोकनी है। सोचना बंद।
मतलब सोच लिया ना जितना सोचना था, तो मुझे भी बता दो ताकि मेरा सोचना बंद हो जाए। प्रिया, अरे बताती तो जाओ क्या सोच रही थी। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी। मिले क्या मिस्टर मेहरा? नहीं, यहाँ पर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। क्या था? मुझको वही करना अच्छा लगता जिससे आपको गुस्सा आता। झूठ। अब मेरे सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीरा वो अगर हमें ऐसे देख लेती तो क्या सोचती है? तो यही सोचती ना कि अपना EFA चल रहा है। हाँ? EFA मतलब एक्स्ट्रा फियांसे अफेयर है, नहीं समझी? देखो जब शादीशुदा लोगों के बीच में कुछ होता है तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं ना। वो तुम्हारी फियांसे है तो इफ आई चीट ऑन हर उसे एक्स्ट्रा फियांसे अफेयर कहते हैं। मीरा का दिल टूट जाता और आपको मजाक सूझ रहा है। तुम्हें किसी की इतनी परवाह कब से होने लगी? अरे पता चलने देती उसे कि मेरा एक्स्ट्रा फियांसे अफेयर चल रहा है जो 2 दिन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाएगा। 2 दिन में बदल गए आप, अब पहले ऐसे नहीं थे। बहुत बुरा बन गया हूँ मैं, वेरी बैड, इसलिए तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। ये मैं देख क्या रही हूँ? मतलब हो क्या रहा है? जो मैं देख रही हूँ वो मेरी समझ में तो आ ही नहीं रहा है। अभी मीरा से शादी कर रहा है लेकिन प्रज्ञा के साथ कोने में। एंगेजमेंट के बाद अक्सर हल्दी होती है और हल्दी के बाद होती है शादी। मैं तुम्हारे साथ सारी की सारी रस्में पूरी करूंगा। प्राची, तू कहाँ थी? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। और ये क्या हुआ? उसे दूर जाना बहुत मुश्किल है शाना। प्यार मुझे उसकी तरफ खींच कर लाया है। अब उसे दूर जाने की वजह मैं कैसे? कोई बात नहीं, मैं जब माँ और पापा को एक साथ खुश देखूंगी ना, साथ में हमेशा हमेशा के लिए, तो मेरा रोना अपने आप बंद हो जाएगा। इसीलिए आज जितना रोना है ना रो लूंगी। यार ये शाहना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे लग रहा है इसको पता चल गया है कि प्राची मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए फोन नहीं उठा रही मेरा।
ये हो क्या रहा है विक्रम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बलजीत दादी और सरिता दादी एक दूसरे से हाथ मिला रही है, इतनी खुश क्यों है? खुश क्यों मतलब? अरे मतलब बलजीत दादी तो इस शादी से खुश नहीं थी ना, फिर ये पल्लवी तुम्हें क्या हो गया है? क्यों एनालाइज कर रही हो? चिल करो ना। तुम नहीं जानते औरतों के सिक्स सेंस को। मुझे तो लगता है बलजीत दादी इस शादी को तोड़वाना चाहती। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे बहुत मतलब मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और प्रज्ञा बलजीत दादी की बहू है? है नहीं, थी। पास को प्रेजेंट में बदलने की कोशिश मत करो। प्राची और उसकी फैमिली के लिए कितना जहर भरा है पल्लवी के अंदर, वो भी बिना वजह। किसी का दिल तोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है शान। इनफैक्ट गई शानम, तुमने मीरा आंटी को देखा? क्यों, क्या बात करनी उनसे? तुम ना बहुत क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर में और एक क्वेश्चन। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। मीरा क्या हुआ तुम्हें? मतलब ऐसे बीच हल्दी में उठ के चली क्यों गई? वो हल्दी लगाने से ना मुझे थोड़ा सीवियर रिएक्शन हो रहा था, एलर्जिक, इसीलिए जलन हो रही थी। पर मीरा हल्दी की रस्म चल रही है, थोड़ी सी लगवा लो। हाँ बहुत ज्यादा जलन हो रही है, प्लीज। थोड़ी हल्दी आलिया और पल्लवी को लगा देते, उनकी जख्म अच्छी हो जाएगी। पार्टनर ऐसा लगता है भगवान भी हमारे साथ। हाँ देखो ना, ऐसी हल्दी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। हल्दी के दिन दुल्हन के हाथ में हल्दी लगी ही नहीं। इसका मतलब हल्दी हुई नहीं। हुई लेकिन अभी और प्रज्ञा दी की, इसलिए हल्दी भी प्रज्ञा दी को ही लगी। पार्टनर घबराओ मत, ये अपना ही जोड़ीदार है। हाँ पूरब तू बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन आप दोनों से अच्छा नहीं, जो आप दोनों कर रहे हैं वैसा तो कोई सगा भी नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ओल्डीज के साथ एक गोल्डी भी मिल गया। बिल्कुल। लो लगता है कुछ कांड हो गया। हाय हाय, मैं सोच रहा हूं तुम्हें हल्दी लगाई दो। मेरा रंग तुम पर वैसे ही चढ़ना चाहिए ना जैसे प्रज्ञा पर चढ़ा था। पर इसने तो अपना रंग निकाल दिया। एक्चुअली मैं यही सबसे कह रही थी कि मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो मैं हल्दी नहीं लगा सकती। ओ मतलब हल्दी की रस्म पूरी हो गई। कोई नहीं, मुबारक आपको भी। और तुम्हें भी मुबारक, मीरा का सपना पूरा हो रहा है और तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। कांग्रेचुलेशंस। दादी मैं अभी आया। तुम्हारे पास किसी पंडित वंडित का नंबर है जो शांति पाठ कर सके? क्यों? क्योंकि आलिया मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही और प्रज्ञा पास आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी शादी वादी हो जाए। मिताली भाभी कुछ भी बोल रही हैं आप। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि जो हो रहा है ना वो हमें दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। क्या बोलना चाहती हैं आप, बोलिए। मेरा मतलब है कि शादी तो अभी और मीरा की हो रही है, राइट? पर ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। तुम देखना जब शादी होगी ना, मेरा मतलब है जब फेरे होंगे तो वहां अभी और मीरा नहीं, वहां अभी और प्रज्ञा होगी। नेवर, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे पता है मुझे क्या करना है।
पर ऐसे होता है और तुम करोगी क्या? राज भैया को पता है। राज को पता और मुझे? राज भैया दिग्विजय लाइब्रेरी में है। मुझे कुछ कहना चाहती है पर वो नहीं कह पा रही है। तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है? तुम मुझे बताओ ना क्या हो क्या रहा है, क्यों ऐसे बात कर रही है, वो क्यों कर रही है सब? तुम्हें पता है ना प्राची ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता तुम्हें तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम्हें नहीं पता तो नहीं जी, कुछ नहीं पता है। देखो शाना, मैं ना प्राची से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे ब्रेकअप कर रही है। मुझे रीजन भी नहीं बता रही। एक बार रीजन बता देना हो मुझे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन तो रीजन नहीं पता ना तो मुझे वो बात इतनी खटक रही है अंदर। प्लीज बताओ ना क्या हो रहा है, ऐसे नहीं देख सकता मैं। तू प्रॉमिस कर ये बात किसी को नहीं बोलेगी, तुझे मेरी कस। रणबीर मुझे सिर्फ इतना पता है कि आफत तुम्हें नहीं चाहती है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। झूठ बोल रही हो, मैं सब पता है। नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है। एक काम करो तुम जाओ, पर जाते जाते ना प्राची को ये चीज जरूर बोल देना कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और ये प्यार ना जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और मैं इस प्यार के लिए किसी भी हद के पार हो जाऊंगा। चाहे वो कुछ भी बोले मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। I'm really sorry for this. Don't smoke. It's bad for health. वैसे भी यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। ये लो। ये पेपर्स का और कैसे यूज कर रहे हैं वो मैं तुम्हें बताऊं। अगर भाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले तब मैं दिग्विजय को इन पेपर्स का ट्रम्प कार्ड खेलने को कहूंगी। अब क्या? मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। देख मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राची के साथ वो हो रहा है जो मेरे साथ हुआ था जब मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था। फॉर श्योर आई नो प्राची मुझसे प्यार करती है। मुझे ये भी पता है कि मुझसे कभी ब्रेकअप भी नहीं करेगी, लेकिन पता नहीं वो ऐसा बोल क्यों रही है। वर्ड उसके मुंह से निकल रहे हैं पर वर्ड्स एक्चुअली उसके हैं नहीं, तुझे पता है। हाँ यार, और तेरी मॉम की तरह उसकी मॉम को तो हार्ट अटैक भी नहीं है, तो क्लियर है कि प्राची मॉम ने उसे ये करने के लिए नहीं कहा। She's so sweet, यार। What? She's sweet. चाची है प्राची की मम्मी है। ठीक है चल चल चल, अब चाची का तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को चक्स का समझ में नहीं आ रहा। अबे यार, अगर रिया ने चक्स को मीरा आंटी के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया होता ना तो चक्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और तुझे पता है ये सब हुआ है उस दिवाली की रात को। और मेरे सामने ही बात हुई है ब्रो, बलजीत दादी मुझे बोल रही थी कि रिया का क्या स्टुपिडिटी करा रही है यार ये शादी करवा के। एक सेकंड चुप यार, सोच रहा हूं मैं कुछ। आ गया। कौन? मुझे समझ में आ गया। ब्रो, इट्स रिया। कहाँ भाई? अरे मेरे दिमाग में रिया। रिया के कहने पे प्राची ने ये सब बोला है। अरे ये कैसे हो सकता है यार? प्राची तो रिया को लाइक भी नहीं करती, तो उसकी बात क्यों मानेगी? अबे यार, तू रिया को जानता है ना कैसी है वो? वो बहुत समझदार लड़की है। वो इधर से उधर ले आती है, उधर से इधर ले आती है। तुझे याद है उसने मेरे साथ क्या किया? मेरे को बोला था कि मैं पहले प्राची को पटाऊं, तो उसका दिल तोड़ दे। एग्जैक्टली यही चीज वो प्राची के साथ कर रही है, ताकि प्राची मेरा दिल तोड़ दे। सिंपल। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि प्राची का क्या रीजन हो सकता है उसकी बात मानने का। इसका जवाब तो सिर्फ एक इंसान दे सकता है। बारे कौन?
मेरी भाभी। चल। कौन सी दुआ है मेरी जो कबूल हो गई? ओह, तो मैं जो सोचता हूँ जो बोलता हूँ उससे तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं बताना ना, मत बताइए। यही ना, सब्र नहीं है तुम्हें। सब्र नहीं है इसलिए तो ये सब हो रहा है ना। तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए से मेरा मतलब था कि मैं बताया तुम्हें तो पूछ के रही हूँ। हल्दी मुबारक हो, आपकी खुशी मेरी खुशी।